चल 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 कंटिन्यू कंटिन्यू, शाबाश शाबाश शाबाश, ओए स्पीड बढ़ा रहे, शाबाश 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 शाबाश। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो बातें जिससे आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपका इरादे मजबूत हो जाएंगे। ये है राजवीर, जिसने टीए की जो आर्मी रैली भर्ती है उसमें रेस क्लियर की है। इसका 5:20 ग्राउंड का टाइम था। एक अन्य भर्ती में पुष्पेंद्र गुज्जर, जिसने सेंटर बक की भर्ती देखी है और उसने भी रेस क्लियर की है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब तैयारी कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उन सब का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। अगर 10 बार गिरकर 11वीं बार भी आप उठ सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप तैयारी कर सकते हो। क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा, उनके लिए यही एक जवाब है। अगर मैं 11वीं बार आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं 11वीं बार आगे बढ़ता हूँ, हो सकता है मेरे पैरों में दर्द हो, मेरे कंधों में दर्द हो, पर मेरे इरादों में दर्द नहीं होना चाहिए। हर बार जब मैं उठूं तो एक नई उमंग मेरे हौसलों में होनी चाहिए, इसलिए मुझे हमेशा आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ लाखों ब्रांड पहन लूँ, लाखों नौकरियां कर लूँ, पर मेरी इंडियन आर्मी की वर्दी के आगे सब फेल, इसलिए मुझे 11वीं बार उठना होगा, दौड़ना होगा, लड़ना होगा। अभी मैं थका नहीं, बहुत जान बाकी है मेरे, थोड़ी मेहनत और कर, बस थोड़ी सी मेहनत और कर लूं तो रख यकीन अपनी मेहनत पर तेरी जीत निश्चित होगी। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, शायद इस बार कोई कमी रह गई। जिस इंसान को अर्जुन की तरह आंख दिखाई देती हो, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। एक बार इंडियन आर्मी की रेस में 100 मीटर 10 मीटर रह गए तो अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं होने देना। वो लोग जो कहते हैं कि तू पटवारी की तैयारी कर ले, तेरे बस का नहीं है, उसको बोल चल हट, पहली फुर्सत में निकल ले। इरादा मेरा मजबूत है, हो सकता है इस बार चूक हुई है, लेकिन अगली बार ये चूक नहीं होगी मेरी। ये इरादे अगर फौलादी रखते हो तुम, सुबह 4 बजे 4:30 5 बजे उठ के अगर ग्राउंड जाने की हिम्मत रखते हो तो तुम इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर हौसला है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे इरादे लेकर ही अगर आप ग्राउंड पे रहोगे तो आप तैयारी कर सकते हो, और अगर डिफेंस में आप आते हो तो यहाँ एक बात गांठ बांध लेना, मेहनत करनी ही पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तकलीफ होती है तो जरूर आपको छूट मिल सकती है, अन्यथा किसी प्रकार की आपको कोई छूट नहीं। और एक बात अच्छे से समझ ले, बिना मेहनत के दलालों के दम पे आप इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखें। चाहे कैसी भी रेस हो आप क्लियर करोगे, लेकिन हौसले इरादे मजबूत होने चाहिए, अन्यथा अपने घर पे रहो, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करो। तैयारी करनी है तो दिल से करो। जय हिंद, भारत माता की जय, लव यू।